हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ऑलमोस्ट मेरे को 5 दिन हो चुके हैं यूएस में आए हुए, एंड आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग थोड़ा आजू बाजू जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग में मेरा एक फ्रेंड और है जो मुंबई से ही है, वो भी यूएस आया है मास्टर्स के लिए, तो आपको मैं मिला तो उससे भी आगे जाके। एंड आज हम लोग जा रहे हैं कोई एक जगह है एक्सचेंज प्लेस करके, देखते हैं। पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को भी इतना कुछ आइडिया है नहीं कि वहाँ होने क्या वाला है, बट व्लॉग में कवर करने की कोशिश करता हूँ एंड आई होप आप लोग को मज़ा आएगा। सो अभी मैं घर से निकला हुआ एंड यहाँ से मेरे को ट्रेन लेने का है न्यूयॉर्क पेन स्टेट से, वो अराउंड 8 मिनट वॉकिंग है। अभी मैं ऑलमोस्ट 2-3 मिनट चल चुका, तो 5 मिनट का अराउंड बचा है। तो न्यूयॉर्क पेन स्टेट से मैं ट्रेन लूँगा टूवर्ड्स एक्सचेंज प्लेस, एंड फर्स्ट स्टेशन जो आएगा वो हैरिसन आएगा, जहाँ पर वो मेरे को मिलने वाला है। तो अभी 5 मिनट और चलना पड़ेगा, फिर हम पेन स्टेट स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। सो अभी ये सामने आ गया हमारा न्यूयॉर्क पेन स्टेशन, मेरे को अभी यहाँ से लेफ्ट लेने का है एंड स्टेशन की एंट्री वहाँ से। स्टेशन आ गया हूँ एंड अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर टिकट मिलेगा एक्सचेंज प्लेस के लिए। ट्रेन अभी नेक्स्ट 9 मिनट में है, आई होप कि टिकट फटाक से मिल जाए मेरे को। सो ट्रेन के अंदर आ चुके एंड अभी नेक्स्ट स्टेशन इज हैरिसन, वहाँ पे मैं उतरूँगा कि नहीं पता नहीं, देखते। यहाँ से ट्रेन निकलेगी 11:10 पे, 11:10 पे, अभी 11:06 हो रहा है, 4 मिनट बाद यहाँ से ट्रेन निकलेगी और नेक्स्ट स्टेशन हैरिसन। जनरल स्क्वायर स्टेशन पे पहुँचे एंड एक प्रॉब्लम ये हो गया कि सिरीश जो है दूसरा फ्रेंड मेरा, उसकी ट्रेन मिस हो गई है, तो मैं अभी एक्सचेंज प्लेस पे पहुँच के उसका वेट करूँगा, फिर वो आएगा तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनली ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स वेट करने के बाद ये लोग आ चुके हैं एंड एक बार आप मिल लो। हाय गाइस, माय नेम इज शिरीश, आई एम फ्रॉम मुंबई। हाय गाइस, माय नेम इज साजिक, आई एम फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद। ये अभी व्लॉग में दो बार आएगा, इसको एडिट नहीं करेंगे। नो एडिट्स। अभी हम लोग मिल चुके हैं एंड देखते हैं अभी आगे कहाँ जाना है। बोल तो रहे कि स्टेशन से बाहर निकलती हमें न्यूयॉर्क सिटी का व्यू मिलेगा, आपको दिखा दो। सो फाइनली एग्जिट ले लिए एंड यहाँ से लेफ्ट में व्यू बहुत बढ़िया है। ये है न्यूयॉर्क, क्या दिख रहा है यार, बहुत प्यारा। तो गाइस फाइनली एक्सचेंज प्लेस पहुंच चुके हैं एंड यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। सही में बहुत प्यारा व्यू है, कैमरे में आई डोंट थिंक इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट रियल लाइफ में दिखने में बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है। तो ये पिंक वाली बिल्डिंग, ये स्टेशन है, यहाँ से हम लोग बाहर है।
वहाँ से चलते हुए आया तो यहाँ सामने हल्का सा ग्लिम्स दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। जूम करता हूँ, आई गेस दिख जाए आप लोगों को। दूर से दिख रहा है बट प्लान है एक बार जाएंगे वहाँ भी। तो अभी यहीं थोड़ा टाइम बैठे एंड व्यू का मज़ा ले रहे एंड बाकी दोनों भी है बट वो अभी अपने घर पे फ़ोन लगाए, मैं भी लगा चुका कॉल, अभी जस्ट बात ख़त्म हुई है, घर से कॉल एंड किया हूँ एंड थोड़ा बैठे है व्यू का मज़ा ले रहे। वो दोनों अभी भी कॉल पे है, उनका हो जाए फिर आगे का प्लान देखते क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बैठने के बाद अभी हम लोग बाहर जा रहे गेट के, एक्सप्लोर करते क्या है आजू बाजू एंड फिर यहीं से लंच करके घर निकल जाएंगे। सो अभी प्लान है ऐसा ही कि हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 20 मिनट्स का वॉक है यहाँ से। वहाँ से चल के आए एंड इधर इसके आगे गाड़ियाँ नहीं आ सकती, हम तो फिर भी चल के आए। तो अभी ये आई गेस फेरी लेके जाना पड़ेगा आगे। सो अभी इतना कम से कम कितना 15 मिनट वेट किए, 15 मिनट वेट करने के बाद फेरी आ गई है एंड अभी ये फेरी लेके हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आ गए भाई, यही सामने हम लोग को ये लोग ड्रॉप कर देंगे। पहुंच गए। एंड अभी यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए हम लोग को 10 मिनट्स के अराउंड का वॉक है, 10 to 15 मिनट्स का। चलते हैं अभी फटाफट। अभी सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फेरी मिलती है बट इशू ये है कि वो फेरी अभी यहाँ से आधे घंटे में हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुँचाएगी, फिर हम लोग वहाँ पे उतरेंगे, फिर 3 घंटे बाद नेक्स्ट फेरी है, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास। अभी 2:30 ऑलमोस्ट हो गया है एंड 5 बजे तक का प्लान है हमें घर वापस पहुँचना है। तो अभी ऐसा सोच रहे कि थोड़ा दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू ले लेते एंड जब विंटर्स का टाइम आएगा तब एक बार वापस आ जाएंगे। उसका रीज़न मैं अभी बता, बोर्ड पे लिखा है कि हडसन रिवर फ्लोज इन टू वेज एंड विंटर्स में आने का इसलिए है कि विंटर्स में ऐसे आइस वगैरह सब फ्लो होगी रिवर पे एंड ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा रहेगा। और अभी हम 2 साल के लिए हैं यहाँ पे, तो एक ही दिन पे सब घूमने से अच्छा विंटर्स में वापस आएंगे और फिर फेरी लेके फिर जाएंगे। तो पूरा दिन उसी हिसाब से प्लान करके आएंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है। आज तो हम लोग बस ऐसे ही घूमने निकले थे तो टाइमिंग सही से मैच हो नहीं पा रही है। अभी अगर हम चले भी गए तो हमको वहाँ से वापस 3 घंटे बाद आते आते 6 यहीं पे बच जाएगा एंड घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी। चलते चलते हम लोग वाटर फ्रंट पर आ गए, दोनों साइड पानी है और सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है।
फाइनली अराउंड कितना चले हम लोग, एक घंटा एक घंटे से चल रहे सिर्फ इस व्यू के लिए। फोटो में छोटा दिख रहा होगा बट यहाँ से तो अपने को अच्छा खासा दिख रहा है। अभी प्लान है कि यहीं पे थोड़ी देर बैठ के आराम करते, व्यू का मज़ा लेते और फिर वापस घर की तरफ जाते। एक साइड न्यूयॉर्क सिटी, एक साइड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट बैठे, व्यू एंजॉय किए एंड वेदर काफ़ी अच्छा है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। पीछे मेरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी और सामने न्यूयॉर्क सिटी है, तो मज़ा आया। जो भी था पूरा दिन हम लोग घूमे, मज़ा बहुत आया एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। तो जो रूट मैं आपको सुबह दिखाया सेम रूट वापस आएगा, सो रिपीट करके फ़ायदा नहीं होएगा कुछ। तो व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।